नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आपकी कोई एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस उपाय को ना करें। अन्य राशि के जातक इस उपाय को कर सकते हैं, मगर लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके ग्रह नक्षत्र इस उपाय के साथ सटीक बैठ जाएंगे। उनको निश्चित तौर पर 21 से 41 दिनों के अंदर लाभ मिलेगा, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि आप भी अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। देखिए, इस उपाय में हम आपको एक यंत्र बनाना सिखाएंगे। और इस यंत्र को बनाना कैसे है, क्योंकि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप जो उपाय में यंत्र बनाते हैं वो आप बनाते कैसे हैं, वो भी एक बार हमको दिखा दीजिएगा। हालांकि हमने काफी सारे वीडियो में दिखाया भी है। आप क्या करेंगे, कुमकुम को गीला कर लेंगे या सिंदूर को गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद अपनी तर्जनी उंगली से इस यंत्र को बनाएंगे। इस यंत्र में आपको 4 गोमती यंत्र का प्रयोग करना होगा। 4 गोमती यंत्र इसमें लगेंगे। देखिए, जो यंत्र बनाए जाते हैं ना, यंत्रों के अंदर विशेष प्रकार के अक्षर, अंक और बीज मंत्र और कभी कभार कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं जो उस यंत्र की विशेष शक्ति को बढ़ा देती हैं और उसको उसका जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने में काफी मदद करती हैं। प्रत्येक यंत्र अलग अलग शक्तियों को जागृत करने के लिए बनाया जाता है और उसमें लिखी हुई सभी चीजें उस यंत्र की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसलिए जैसा जैसा हम आपको बताएंगे बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तर्जनी उंगली से आप इस यंत्र को बनाएंगे। सोमवार के दिन इस यंत्र को बनाना है, किसी अन्य दिन नहीं बनाना है। शाम को 4 बजे से पहले पहले इस यंत्र को बनाना है। अभी हम एक बड़ा चकोर बना रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, एक सिर्फ एक अभी आकृति बन रही है। अभी इसमें कोई शक्ति नहीं आएगी, आकृति ही बनाई जा रही है। कैसे बना रहे हैं, याद रखिएगा, अपनी तर्जनी उंगली का प्रयोग करते हुए इस यंत्र को आप बनाएंगे। चेहरा पूर्व दिशा की तरफ करके इस यंत्र को बनाना है। जल्दबाजी में यंत्र नहीं बनाना है, हम तो वीडियो बना रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रहे हैं, मगर आपको आराम से बैठकर यंत्र बनाना है और जो परिणाम आप चाहते हैं, जो भी मनोकामना है, उसके बारे में सकारात्मक सोच के साथ यंत्र को बनाना है। ऐसा नहीं हो कि ध्यान कहीं और है और यंत्र को आप जल्दी जल्दी बनाए जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ 2 चकोर बनाए हैं और कुछ नहीं बनाया, यानी कि हमने सिर्फ एक आकृति बनाई है। ये हो गई इस यंत्र की आकृति। अब इसके अंदर कुछ लिखना भी पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, अंदर कुछ लिखेंगे तभी तभी जाकर इसमें कुछ शक्तियां उत्पन्न होंगी। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर, आप किसी भी रंग के पेन से आप लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे एक और लिखेंगे श्री, लिखेंगे श्री। इसके बाद यहां लिखेंगे दो और क्री। फिर लिखेंगे यहां पर तीन, स्नेहा, यानी कि श्री कृष्णा, ये हो गया। 4 पे लिखेंगे आप श। फिर 5 आपको कहीं नहीं लिखना है, 5 के बाद सीधा लिखेंगे 6। इधर कोने पे लिखना है 6 और लिखेंगे र। 7 लिखेंगे यहां पर और लिखेंगे नम। फिर लिखेंगे 8, इधर लिखेंगे म। 9 इधर आ जाएगा मह। और इस प्रकार आपका जो यंत्र है वो पूरा तैयार हो गया है। इसमें हमने अंक भी लिख दिए हैं और अक्षर भी हमने इसमें लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हमने बताया सोमवार को ये यंत्र बनाना है। अब आपको 4 गोमती यंत्र लेने हैं, गोमती यंत्र लेने हैं आपको 4। और कहाँ कहाँ रखने हैं, एक इधर रख देंगे, एक इधर रख देंगे, एक इधर रख देंगे और एक इधर रख देंगे। देख लीजिएगा, 1 2 3 4 रख देना है। यंत्र को सामने रखना है और मंत्र हम आपको लिखकर दे देते हैं। इस मंत्र का आपको जाप करना है, किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अपने दिमाग में सकारात्मक सोच रखनी है, यानी कि जो आप परिणाम चाहते हैं उसके बारे में सोचना है। जो मंत्र है श्री कृष्ण श्री कृष्णा शरण म, श्री कृष्णा शरणम ममः, ये मंत्र आपको जपना है। यही मंत्र अंदर भी लिखा हुआ है यंत्र के। इस मंत्र आपको यंत्र के नीचे मंत्र नहीं लिखना है, अंदर यंत्र के लिखना है। बाहर तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने लिखा है। आप किसी भी माला का प्रयोग करेंगे और कम से कम 2 माला रोज जपनी है। कम से कम का मतलब यही होता है कि कम से कम तो जपनी है, चाहे समय समय आपके पास हो या समय ना हो। अगर आप पीरियड्स चल रहे हैं महिलाओं के, तो उन दिनों में उपाय नहीं करेंगे, अन्य दिनों में आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको कुल मिलाकर कम से कम 60 दिनों तक करना है, 60 दिनों तक। अब बीच में अगर महिलाओं के पीरियड्स आ जाते हैं
तो मान लीजिए 10 दिनों तक उपाय करा, फिर पीरियड्स आ गए थे, तो पीरियड समाप्त होने के बाद आप दोबारा शुरू करेंगे, 11वें दिन से आगे गिना जाएगा। इसी प्रकार जो ये आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको क्या ये उपाय मंदिर में बैठ के करना है? बिल्कुल नहीं, मंदिर में बैठ के नहीं करना है। चेहरा पूर्व दिशा की तरफ करके यंत्र को सफेद रंग के कपड़े में रखकर यंत्र को सामने रखेंगे, गोमती चक्र रखेंगे जिस प्रकार हमने इसमें रख के दिखाया है, और मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र का जाप करते समय आपको अपने दिमाग में चित्रण करना है, यानी कि चित्र देखने हैं, जो जो परिणाम आप चाहते हैं, जो परिणाम आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते सोचते आपको मंत्र का जाप करना है। जब मंत्र समाप्त हो जाए, कम से कम 2 माला बोली है हमने, ज्यादा से ज्यादा जितना चाहे माला का जाप कर सकते हैं, आधी अधूरी माला का जाप करके बीच में नहीं उठना है, पूरी माला का जाप हो जाए तभी आप उठें। और शाम को 4 बजे से पहले ही मंत्र का जाप करना है, शाम के 4 बजे के बाद मंत्र का जाप नहीं करना है। मंत्र का जाप होने के बाद एक बार हाथ जोड़ के यंत्र के आगे अपनी जो मनोकामना है वो दोहराएंगे प्रार्थना के रूप में। इस प्रकार आपको ये उपाय करना है, फिर आप देखेंगे निश्चित तौर पे, यदि आपने खुद यंत्र बनाया है और इसी प्रकार कराया तो निश्चित तौर पे, और आपके ग्रह नक्षत्र इस उपाय के साथ सटीक बैठ गए तो निश्चित तौर पे 21 से 41 दिनों में आपको लाभ मिलेगा। 60 दिनों तक लगातार उपाय फिर भी करते रहेंगे, भले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके बाद भी 60 दिनों तक इस उपाय को पूरा करना है। 60 दिनों के बाद जब 61वां दिन आएगा, इस यंत्र को आप गोमती चक्र को घर पर ही रखेंगे, यंत्र को उठाकर, सिर्फ और सिर्फ यंत्र को उठाकर आप घर के आसपास जो मंदिर है उसके आसपास कोई पेड़ हो, पीपल का पेड़ ना हो, वहां पर रखकर आ जाएंगे और हाथ जोड़कर सीधा अपनी एक बारी धन्यवाद देते हुए यंत्र को वापस घर की तरफ आ जाएंगे। इस प्रकार आपको ये उपाय करना है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र सटीक बैठ गए तो आपको 21 से 41 दिनों में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। काफी लोग बोलते हैं कि हम तो अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप जैसे ही आएंगे आपको हमारा मैसेज अवश्य आएगा। एक बार देख भी लीजिए कि हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो दिखता कैसा है, वो है कैसा। इस प्रकार हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप ये नाम पढ़ सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही है। इस पे काफी लोगों को लाभ भी मिला है, काफी लोगों को के मैसेज भी आते हैं, तो यदि आप जुड़ेंगे तो आपको भी हमारा मैसेज अवश्य आएगा। यदि कुछ प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।